आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए डॉक्टर जोशी, लेकिन प्लीज राजीव को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज इनका सर नीचे रख दीजिए, पीछे हटिए। नहीं नहीं प्लीज, अभी इन्हें सांस लेने दीजिए। दादा एम्बुलेंस कहाँ है? लता आ गई। जल्दी जल्दी हटो 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 हटो। मम्मा सही ने आज सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, मैंने तो पता नहीं क्या होता। ये दवाई आप लेकर आइए। मामी मैं दवा ले जाता हूँ। काकू मैं सबके लिए कॉफी पानी लेकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ। बुआ राजीव जी को कुछ नहीं होगा, अब संभालिए खुद को। इतने सालों बाद राजीव मेरी जिंदगी में वापस लौट के आया और मेरी किस्मत तो देखो सही, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे से मेरी जिंदगी से चला जाए। नहीं बुआ ऐसा मत सोचिए, आप ना ही अपने मन में नेगेटिव थॉट्स आने मत दीजिए। हिम्मत रखना बेटा, देखो सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, देखना राजीव जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ उन्हें ठीक होना ही होगा, परिवार के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेरे दादा ही तो है। मेरे दादा को कुछ हो गया तो बेटा पापा पे भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इतने बरसों बाद तो प्यार करने वाले एक होने वाले थे, इतने बरसों बाद शिवानी बुआ की जिंदगी में खुशी आने वाली थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? शिवानी बुआ और राजीव जी हमेशा एक दूसरे से अलग रहे, उन्होंने इतनी तकलीफें झेली, प्लीज प्लीज उन्हें और दुख मत दीजिए। प्लीज पापा राजीव जी को बचा लीजिए। पापा प्लीज सही की प्रार्थना सुन लीजिए और राजीव को बचा लीजिए, मेरी बुआ की खुशी के खातिर प्लीज। Thank you.
भरोसा रखिए विराट सर, राजीव जी को कुछ नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत से राजीव जी और बुआ की शादी के लिए परिवार वालों को मनाया है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। कहां से आता है इतना हौसला? इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहती हो तुम हमेशा? जिंदगी के समुंदर में उम्मीद की नाव पर बैठकर ही किनारे तक पहुंचा जा सकता है ना। और पापा भी तो उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद का हौसला बरकरार रखकर अपना काम ईमानदारी से करते हैं। पर तुम्हारा ये हौसला हमारे बीच की दूरियां कभी नहीं मिटा पाया। लगता है तुमने उम्मीद के साथ साथ हमारे रिश्ते की भी डोर तोड़ दी थी। रिश्ते की डोर भले ही एक तरफ से तोड़ी जा सकती है, लेकिन उसे जोड़ने के लिए दोनों हिस्से लगते हैं। दो लोगों के बीच आई दूरियों का फासला उन दो लोगों को ही तय करना पड़ता है। किसी एक के हौसला रखने से रिश्ता नहीं जुड़ता। आपने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया है। अगर आपने ये फैसला किया होता कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे रिश्ते को नहीं टूटने देंगे, जो कि अब मेरा भी फैसला है, तो फिर हमारे बीच ये दूरी कब की मिट गई होती। राजू की जिंदगी में कितनी सांसें लिखी हैं ये तो गणपति बापा ही जानते हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से यहाँ आने तक तुमने जो चंद सांसें दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई, मैंने तो बस वही किया है जो एक अपना दूसरे अपने के लिए करता। राजीव जी की शिवानी बुआ से शादी होने वाली है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, और मैं हमेशा बुआ को और इस परिवार के हर सदस्य को खुशी देखना चाहती हूँ। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सबके सुख के लिए दुनिया से लड़ जाती हो, है ना? किसी के साथ गलत होता हुआ तुम नहीं देख सकती, लेकिन जब मेरे बेटे की बारी आई तब क्या हुआ सही? मेरे बेटे के साथ गलत क्यों किया तुम? मैं खुश हूँ तुम डॉक्टर बनने वाली हो। मेरी आंखों के सामने तुमने एक जान को बचाने के लिए मदद की, लेकिन मेरे बेटे की जान की फिक्र तुम्हें क्यों नहीं है सही? मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हर रोज यही सोचती हूँ कि काश काश मैं वक्त में पीछे जाकर सब कुछ बदल पाती। काश मैं खुद को हर वो चीज करने से रोक पाती जिससे विराट सर को तकलीफ पहुंची है। मैं हर रोज अपनी गलती का पश्चाताप करने की कोशिश करती हूँ, आई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी गोड़ू है ना, वो मुझे दूसरा मौका देने को, मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ नहीं कर सकते, क्या आप ही मुझे माफ कर सकती हैं? प्लीज आई, मुझे इग्नोर करना बंद कर दीजिए। मैं अपनी आई की आंखों में अपने लिए वही प्यार देखना चाहती हूँ। आप जब मुझे सही कह के पुकारेंगी तो आपकी आवाज में वो प्यार महसूस करना चाहती हूँ। प्लीज आई, क्या आप फिर से मेरी आई नहीं बन सकती? क्या फिर से मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती? मैं हर रोज आपका लाड़ आपका प्यार इस करती हूँ आई, आपके बिना मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तब मेरा दिल तुम्हें पूरी तरह से माफ कर देगा, और तब तुम मेरी आंखों में मेरी आवाज में अपने आप वही प्यार पाओगी।
पापा मुझे यकीन है वो दिन आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू आई, आपने इतना बोला मेरे लिए वही काफी। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अचानक से उनके दिल की धड़कनें चलना बंद हो गई थी। अगर सही वक्त पे उन्हें सीपीआर नहीं दिया गया होता तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। तुम सही हो ना? Yes. तुमने बहुत ही अच्छा काम किया सही। Thank you, doctor. Excuse me. Thank God, मेरे दादा ठीक हो गए। सब ठीक हो गया दादा। Thank you, sir. अगर आज तू नहीं होती तो मेरा घर बसने से पहले नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहते। सही, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम यूं ही कॉलेज की टॉपर नहीं। सम्राट दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, अगर आप सही टाइम पर एक्शन नहीं लेती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक यू सही, थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानती कि मैं ये तुम्हारा एहसान। नहीं प्लीज ऐसे मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सिर्फ जरिया थी जो किया पापा ने किया है। नहीं सही, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। तुमने ना सिर्फ मेरे दादा को उनके प्यार से मिलवाया बल्कि आज तुमने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। तुम नहीं जानती कि मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा था कि आज मैंने अपने दादा को। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता है बेटा, जब मेरा विराट हॉस्पिटल में था ना, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब हम लोग सब ऐसे ही डर गए थे। पता नहीं सबके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे थे, कुछ अनाप शनाप बात। जैसे तुम तुम्हारे इकलौते दादा को इस हालत में नहीं देख सकती हो ना, वैसे ही मैं भी उस वक्त मेरे विराट को उस हाल में देख के बहुत तड़पती थी। पापा से बस इतनी प्रार्थना करती थी कि मेरे विराट को ठीक कर दो। जब मुझे पता चला कि मेरा विराट खतरे से बाहर है, तब जाके हमारे सबके जान में जान आ गई थी। डोंट वरी, मैं यहाँ आपसे आपका ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए या फिर मुझे दूसरा मौका देने के लिए ये बातें करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप अपने परिवार को एक दूसरा मौका दे दीजिए। अभी और इस बारे में क्यों बात कर रही हो? आपने देखा नहीं, आई अनुराधा जी से अपना दर्द कैसे बांट रही थी। अगर अनुराधा जी को अपने एक लौते भाई को खोने के ख्याल से इतना डर महसूस हुआ, वो तड़प उठी, तो सोचिए आई अपने एक लौते बेटे को खोने के डर से कितना तड़पी होंगी। आपने अनुराधा जी को राजीव जी के लिए रोता हुआ देखा तो आपको इतना बुरा लगा। आपको पता भी है कि जब आप बेहोश थे तो आई की क्या हालत थी। और अभी भी विराट सर, उनका दर्द कम नहीं हुआ है क्योंकि उनका बेटा उनसे दूरी बनाए हुए है। ये बात उन्हें हर रोज तड़पा रही है। उनके अंदर की मां हर रोज टुकड़ों में मर रही है। विराट सर, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है सही कि मैं फिर से अपने फैमिली के साथ पहले जैसा रिश्ता रखूं। इसीलिए मैं दूर जा रहा हूं। आंखों से दूर रहूंगा तो सबको तकलीफ कम होगी, ये बेस्ट है। आप एक माँ की आंखों से दूर हो जाएंगे और दिल का क्या? एक माँ के दिल से कैसे दूर होंगे विराट सर? आपको क्या लगता है, आई आपका बाकी का परिवार ये हमेशा के लिए इस दुनिया में है? दुनिया का सबसे बड़ा सच एक ही है विराट सर, मौत। लेकिन इस सच को जानकर भी हम अनजान बन जाते हैं। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए विराट सर। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, होना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आप सही वक्त का इंतजार करते रह जाएं और वक्त ही खत्म हो जाए। आप ये बात सुन के इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? ये बात तो आप भी जानते हैं ना? आप क्या, ये बात तो हर कोई जानता है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। जो आया है उसे जाना ही है, भले ही वो मैं हूं, आप हो या आपका परिवार। वक्त कब किसके लिए खत्म हो जाए नहीं पता होता विराज सर। तुम ऐसी बातें अभी क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी अपनों से नाराज रहने के लिए बहुत बहुत छोटी है। आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने कभी सोचा था कि मेरे आपा मुझे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। ये सब मैं आपको डराने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए नहीं कह रही। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम नाराजगी का चश्मा पहन लेते हैं ना, तो हमें बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नजर आनी बंद हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब आप श्रुति और साहस की मदद कर रहे थे। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ प्यार के लिए। ये सब बोलकर क्या क्या कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं फरहाद साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ आपसे अपनी बात करने नहीं आई हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए परिवार की अहमियत समझती हूँ। मेरे पास कोई परिवार नहीं है, लेकिन आपके पास तो है। आपके पास आपके अपने हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं विराज साहब। मैं चाह कर भी अपने परिवार से कनेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से अपने परिवार से कटे हुए हैं, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। आई, बाबा, भाई बहन, काका काकू, ये सारे रिश्ते ऊपर वाले के दिए हुए अनमोल तोहफे हैं विराज सर। इन्हें अपने गुस्से की ठोकर मारकर मत ठुकराइए। अपनों से नाराजगी रखने का मतलब है खुद अपनी ही खुशी का कत्ल कर देना। विराज सर, अगर जिंदगी हंसने का मौका देना तो खुल के हंस लेना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, और अगर कुछ ऐसा हो गया है जिसे बदला नहीं जा सकता तो फिर उसे भुला कर आगे बढ़ना चाहिए। गिले शिकवे इंसान की जिंदगी में ना बोझ बन जाते हैं, और परिवार सहारा। हर मुश्किल में साथ देते हैं परिवार वाले। आपके परिवार वालों से गलती हुई है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो गलती मैंने की थी। मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने आप पर शक करना शुरू किया। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है, और इसलिए मुझे सजा देकर मुझसे दूर जा रहे हैं। लेकिन प्लीज मेरी गलती की सजा अपने परिवार वालों को मत दीजिए। से रिक्वेस्ट करती हूँ विराज साहब, प्लीज अपने परिवार वालों को एक और मौका दे दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए मेरी गलती के लिए, प्लीज। और आप ऐसा करेंगे ना तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आप भी
फिर से पहले की तरह जीने लगेंगे, क्योंकि यह बात तो आप भी जानते हैं विराज, अभी आप जी नहीं रहे, सिर्फ सांसें ले रहे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.